सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोरा क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सर, कैसे आप अपने इस एक महीने को पूरा यूटिलाइज करेंगे, कितनी रिविजन करनी है, कितना पढ़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना समय देंगे, सारी चीजें। और ये वीडियो सर हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल रहेगी, चाहे वो एक ग्रुप दे रहा हो, बोथ ग्रुप दे रहा हो, फर्स्ट ग्रुप दे रहा हो, सेकंड ग्रुप दे रहा हो, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, एवरीवन पूरी वीडियो देखेगा, एंड तक देखेगा, चाहे स्पीड बढ़ा के देख लीजिए लेकिन पूरी वीडियो देखेगा। और बदले मुझे आपसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक्स, 5000 लाइक्स का सर टारगेट रखते हैं इस वीडियो के ऊपर। और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों के एग्जाम्स हो चुके तो बाकी जूनियर्स को गाइडेंस दीजिएगा। दिक्कत यह सर, आखिरी महीना आ गया और आखिरी महीने की खासियत यह सर, ये कर सकता है कायापलट, हीरो को बना सकता है जीरो और जीरो को बना सकता है हीरो। यस, मार्क माय वर्ड्स, हीरो को बना सकता है जीरो और जीरो को बना सकता है हीरो। तो अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी आपका कायापलट हो सकता है। अगर आप बहुत सारी पढ़ाई करके बैठे और अभी इस महीने पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी आपका कायापलट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखते जाइएगा। अगर आप दे रहे हैं सर एक ग्रुप तो मैं आपको कोशिश करूंगा ऐसा कुछ बताने के लिए जिसके सर आपके कम से कम 3 रिवीजन हो पाए एग्जाम से पहले। अगर आप दे रहे हैं सर बोथ ग्रुप, फिर से कोशिश करेंगे सर 3 रिवीजन्स की, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम जो है आपको पर सब्जेक्ट कम देना पड़ेगा। ये एक आइडियल सिचुएशन मान के चल रहा हूं, अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो ये वीडियो की बहुत मदद करने वाली है। अगर आपकी पढ़ाई कच्ची पक्की सी है तो सर मैं आपके लिए अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इस एक महीने में फ्रेश स्टडीज करके भी आप लोग सर बन सकते हैं हीरो। आप में से कितने लोग जो ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जो सिर्फ एक महीने में फ्रेश स्टडी से भी आईपीसीसी क्लियर करने का कुछ चांस बन जाए, उसमें गारंटी कुछ नहीं होगी लेकिन हाँ कुछ चांस बन जाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊं जिसमें एक महीने में कुछ चांसेस जो है बढ़ाने की कोशिश करें। एनीवेज अभी कॉन्सेंट्रेट करते सर रिवीजन पे, हमने क्या करना है, कैसी प्लानिंग करनी है। तो अगर आप दे रहे हैं एक ग्रुप तो ये रहा सर आपके सामने मेरा कैलेंडर और उस कैलेंडर में सर मैंने लिखा है कि कैसे आप लोगों ने जो है रिवीजन करनी है। ये देखिए, पहले 4 दिन सर आप लोगों को पढ़ना है अकाउंट्स, उसके अगले 4 दिन आपको पढ़ना है लॉ, उसके अगले 4 दिन आपको पढ़ना है कॉस्टिंग एफएम, उसके अगले 4 दिन आपको पढ़ना है टैक्स और बस एक रिवीजन अपनी खत्म। इस रिवीजन में सर हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, कोई छोटे मोटे टॉपिक बीच में रह गए हो तो उस पर भी ध्यान लगाएंगे और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर वगैरह मेंटेन करके रखेंगे। कॉन्सेप्ट रजिस्टर क्या होता है ये जानने के लिए एक बार सर्च कर लीजिए हाउ टू मेक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बाय नीरज, जरूर आपको मिल जाएगा। खैर इस समय बहुत लेट होगा लेकिन आगे के लिए आपको काम आ सकता है सीए फाइनल वगैरह में। आइए सर, देन इसके बाद 3 डेज रिवीजन निकालने की कोशिश करेंगे सर हम। और ये जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ ना गाइस, ये मेरा प्लान नहीं है, मेरी एक स्टूडेंट थी उसने बोध ग्रुप दिए थे, उसकी रैंक आया था एंड शी टोल्ड मी सर मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मैंने लास्ट मंथ में कम से कम अपनी 2 से 3 रिवीजन का प्रोविजन रखा और उसने यही प्लान मुझे बताया और यही प्लान मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। गाइज इस महीने में अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये देखिए, पहले मैंने 4-4 दिन में रिवाइज किया, फिर मैंने 3-3 दिन में रिवाइज किया और लास्ट में सर मैंने 4 दिन निकाल दिया आपके अकाउंट्स के लिए। और इसमें आप थोड़ा बहुत एथिक्स कॉम भी पढ़ सकते हैं, 29-30-1-2 एग्जाम आई होप 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। राइट गाइज, तो इसमें हम लोग ऐसे प्लानिंग करके चलेंगे कि पहले 4 डेज रिवीजन, फिर 3 डेज रिवीजन और फिर अकाउंट्स को 4 दिन और एथिक्स कम्युनिकेशन उन 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ में हमारे पास एक एक रिवीजन का टाइम और बचेगा जो हम एग्जाम से पहले करते ही हैं। राइट गाइज, अगर आप दे रहे हैं बोध ग्रुप तो ये रहा सर आपका प्लान। आपने यहां पे क्या करना है, पहले 3 दिन रिवीजन और फिर 1 डे रिवीजन, फर्स्ट 3 डे रिवीजन एंड देन 1 डे रिवीजन। नीचे मेरे पड़ोसी कुछ खटपट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज झेल लीजिएगा। तो पहले 3 डे रिवीजन फिर 1 डे रिवीजन, इस तरीके से सर आप लोग अपना, ये देखिए पूरा मैंने यहां पे प्लान बना रखा है। 1 डे रिवीजन ये रही, 3 डेज रिवीजन आपकी ये रही। आप यहां पे सर 7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप हैं सर न्यू कोर्स में जहां पे 8 सब्जेक्ट हैं तो भाइयों आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, आपको 2.5-2.5 दिन के रिवीजन प्लान बनाने पड़ेंगे और फिर 1 डे रिवीजन करना पड़ेगा जिससे आपका एक सब्जेक्ट जो है वो और अकोमोडेट हो जाए इस प्लानिंग के अंदर। अगर आप दे रहे हैं सिर्फ सेकंड ग्रुप, यस अगर आप दे रहे हैं सिर्फ सेकंड ग्रुप गाइस, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, याद रखना बोध ग्रुप वाला बच्चा फेल होता है तो वो शहीद कहलाता है, एक ग्रुप वाला बच्चा, फर्स्ट ग्रुप वाला फेल होता है वो मासूम कहलाता है, सेकंड ग्रुप वाला बच्चा फेल हो जाता है वो नालायक कहलाता है। और मैं चाहता हूं सर आप नालायक ना कहलाएं, आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर ध्यान लगाइए, एसएम पे और ऑडिटिंग पे, मल्टी टाइम्स रिवीजन करेंगे। एसएम की मैं आपको गारंटी देता हूं सर, अगर आप 7 घंटे लगा दें सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है तो पूरी की पूरी एसएम आप रिवाइज कर सकते हैं। हवा में बात नहीं कर रहा हूं सर, मैंने अभी अपने सेंटर पे एसएम की रिवीजन क्लासेस ली थी एंड माइंड यू 2 घंटे के अंदर सर हमने 3 चैप्टर रिवाइज किए थे, टोटल मिलाकर सर 7 चैप्टर हैं, 2 घंटे में अगर 3 हो जाते हैं जस्ट थिंक ओवर इट के सर आप लोग क्या कर सकते हो। तो भाई एसएम और ईआईटी इन पे आप जरा ध्यान लगाएंगे, इनकी रिवीजन जल्दी जल्दी करना शुरू कीजिए। एसएम का बुक लेके मत बैठिए, बुक लेके बैठे गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं बेवकूफ हो क्या, बुक लेके बैठे अपने बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं बेवकूफ हो क्या, भाई सीधा सीधा एक काम रखो, बुक लेके बैठे हैं टाइमर लगा के बैठो, 45 मिनट में चैप्टर 2 फाड़ के फेंक दूंगा, ऐसी आपके अंदर से भाई साहब हीट निकलनी चाहिए, ऐसी आपके अंदर से मोटिवेशन निकलनी चाहिए, उस समय थोड़ा सा एफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आईटीएसएम और ऑडिट में सर आपने बहुत एफिशिएंटली काम करना है। आईटीएसएम का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं सर, पूरी एसएम आपकी 2 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपने इससे ज्यादा ले लिया ना 2 दिन से ज्यादा, बिलीव मी सर आप गलत कर रहे हो। अगर आपने एसएम पहले पढ़ी और आपको 2 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, बात सुन लो ये वाली मेरी, ठीक है, थोड़ा सा नहीं वाली टोन आ रही बट चलेगा। एनीवेज
आईटी के लिए भी सर 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन दे रहा हूं आईटी के लिए, बल्कि एसएम को 1.5 दिन में 1 दिन में कंप्लीट कर पाओ तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद आप सीधा सर आईटी पे कूद सकते हैं, 2.5 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। ऑडिटिंग के लिए सर मैं आपको बोलता हूं कि 5 डेज टारगेट रखो, 5 डेज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं कोशिश करूंगा लास्ट में ऑडिट कुछ रिविजन वीडियो देने की, लेकिन पहले आप अपने हिसाब से पूरा रिविजन करके रखो तो बात है सर। ऑडिट में सर आप पहले दिन पे ही लगभग सर 20 SS निपटाने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद सर आप कंपनी ऑडिट निपटाएं, गवर्नमेंट ऑडिट निपटाएं, वाउचिंग वेरिफिकेशन निपटाएं, और उसके बाद आप स्पेशल ऑडिट निपटाएं। यहीं पे सर आपका ऑडिट का कार्यक्रम खत्म हो गया। मिसलेनियस में चलेंगे, और मिसलेनियस में जाके हम लोग देखेंगे क्या। मिसलेनियस में सर सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपका शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, साथ साथ में आपका CIS पढ़ सकते हैं, और भी जो आपके रिमेनिंग एसेज हो उनको सिर्फ आप क्वेश्चन बेस्ड तैयारी कर लीजिए, दैट्स इट। न्यू कोर्स वाले बैंक ऑडिट और EDB ऑडिट जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, बैंक ऑडिट से इस बार एक्सपेक्टेड है। अभी आप अगर हमारे स्टूडेंट है तो सर आज से मैं बैंक ऑडिट की वीडियोज भी पोर्टल पर अपलोड करना शुरू करूंगा neerajaroraclasses.com पे, और मैं 2-4 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा बैंक ऑडिट जो वहां पे कंप्लीट कर दूंगा। लीजिए सर, तो आपका ITSM और ऑडिट मिला के अगर मैं देखूं सर, मैक्सिमम आपको 10 डेज लगने चाहिए रिवीजन के। अब आपके पास 2-3 डाउट है, ए सर मेरा कॉलेज है, बी सर मेरा ऑफिस है। अगर आप सर कॉलेज जा रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई कॉलेज एग्जाम भी देने, ये भी एग्जाम देने, इसी प्लानिंग के अंदर थोड़ा बहुत आपको ट्वीकिंग करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बी आपका ऑफिस है, सुबह भाई 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, 3 से 9 पढ़ो, मुझे नहीं पता आग लग जाए सर ऑफिस में, चाहे सोना पड़ जाए ऑफिस में, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए भाई, लेकिन सुबह से भाई आप कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा देकर जाओगे। मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है सर, द बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स, एक बार प्लीज उसे देख लीजिएगा। लगभग 2,75,000 लोग उसे देख चुके हैं, अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरी इंडिया से, चाहे वो IAS वाले स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, जरूर जाकर उस वीडियो को चेक करिएगा, उसमें आपको शेड्यूल मिलेगा ऐसा जिससे आप 12 से 14 घंटे का आउटपुट निकाल पाएंगे। ऑफिस के साथ पढ़ना चाहते हो तो सर उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी, वो भी देख सकते हैं आप लोग। एनीवेज, तो यहां पे आके सर मैं आपको ग्रुप 2 वालों को यही बोलना चाहूंगा कि मैक्सिमम आपको सर ऑडिट प्लस ITSM 10 दिन के अंदर रिवाइज करना है, आपको अकाउंट सर 7 दिन के अंदर रिवाइज करना है, 17 दिन के अंदर आपने सर पूरा का पूरा ग्रुप जो है फाड़ के फेंक देना है भाई। उसके बाद सर आप 2-2 दिन की रिविजन बना सकते हैं अच्छे से। मैं तो बोलता हूं SM के तो 2 दिन लगाना पाप है, SM पे तो सर आप 1 दिन लगाएंगे हमेशा ही, उसके बाद 1 दिन IT पे लगा लेंगे, उसके बाद सर ऑडिटिंग पे, ऑडिटिंग पे सर थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगा के उसे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में काफी सारी इनसाइट्स मिली कि कैसे आपने अपना जो सिलेबस है कंप्लीट करना है जल्दी से, 2 महीने कह रहा हूं, 1 महीने के अंदर अंदर आप प्लीज इसमें थोड़ा सा जान लगा दीजिए, 12 से 14 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, और इस अटेम्प्ट में अपने आपको वादा कर दीजिए कि भाई पास होकर दिखाऊंगा। मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, टीचरों के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 5,000 वीडियोस का लाइक रखते हैं सर इस वीडियो पे, और बढ़ते हैं आगे। राइट गाइज, आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस और बनाने वाला हूं सर, हो सकता है कुछ रिवीजन वीडियोस भी लेके आऊं ऑडिटिंग की, और कुछ अपडेट वीडियोस भी लेके आऊं ऑडिटिंग की, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, कोशिश करेंगे मिलकर कुछ करने का, कुछ बदलने का। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया कि सर टाइम टेबल बेस्ट क्या होता है। राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, छा जाओ।